आज की वीडियो में मैं पुष्पा मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोगों को पक्का नहीं पता होगा। भाई पुष्पा मूवी जो थी वो 2021 में रिलीज हुई थी और रिलीज होने के बाद इस मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। लिपि का बजट 200 से 250 करोड़ के बीच में था, मूवी ने कमाई भी 350 करोड़ के आसपास की थी। और अब जो है इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है। वैसे तो भाई बोल रहे थे 2022 में ही आएगा, बट नहीं आया, तो भाई 2024 में तो पक्का आने ही वाला है। बात करते हैं कि पुष्पा मूवी के वो कौन से फैक्ट हैं जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते हो। तो फर्स्ट इस मूवी की अगर मैं स्टोरी के बारे में बताऊं तो ये मूवी की स्टोरी जो है आंध्र प्रदेश में हो रही लाल चंदन की इलीगल तस्करी के बारे में बताती है। ये वाला कंसेप्ट जो था ना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि भाई ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। मतलब हम लोग को पता है कि भाई रियलिटी में लाल चंदन की तस्करी होती है, तो भाई लोग जो है काफी ज्यादा रिलेट कर पाए इस मूवी की स्टोरी के साथ, और ये भी एक वजह थी इस मूवी के हिट होने की। आप लोग ये जान के हैरान हो जाओगे कि अल्लू अर्जुन को पुष्पा का गेटअप लेने के लिए लिटरली यार 2 से 3 घंटे लगते थे। मतलब जो हम लोग देखते हैं कि भाई पुष्पा का दाढ़ी वगैरह, बाल का स्ट्रक्चर ऐसे टेढ़े रहना, में 2 से 3 घंटे लगते थे। और भाई यही नहीं, और इसी गेटअप को उतारने के लिए भी कम से कम 1 घंटा लगता था। मतलब ऐसा समझो कि भाई दिन के 4-5 घंटे तो इनके मेकअप चढ़ाने और उतारने में ही लग जाते थे। को पता है कि पुष्पा मूवी में लाल चंदन की तस्करी होती थी, बट जो तस्करी में ट्रांसपोर्ट के लिए जो सड़कें यूज होती थी ना, मूवी मेकर्स को ही बनानी पड़ी है। एक तरफ मूवी भी बनाओ और दूसरी तरफ भाई सड़कें भी बनाओ, और भाई ये चीज जो है ना काफी ज्यादा टाइम टेकन है। पुष्पा मूवी की जो लगभग शूटिंग है ना भाई आंध्र प्रदेश के जंगलों में हुई है, जहाँ पे भाई पूरे क्रू को जो है जंगलों में असली में ले जाया जाता था। पूरे क्रू को आने जाने में कम से कम 300 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, समझ रहे हो भाई 300 गाड़ियाँ। और यहीं तक नहीं, किसी किसी रोल में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, तो क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उस सेट पे उस टाइम कितने बंदे होंगे। भाई मत लगाओ भाई, मैंने भी नहीं सोचा था, कम से कम 1500 लोग आसपास रहा करते थे, और कम से कम रोज जो है पुष्पा के सेट पे 500 लोगों की जरूरत पड़ती थी, जो कि भाई बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे ज्यादा पैसा तो सड़कें बनाने में और लोगों को देने में ही चला गया होगा। मूवी के कुछ सीन्स जो है केरला के जंगलों में शूट किए गए हैं, कि पूरी पुष्पा की टीम जो है वापस आ रही होती है जंगलों से, तभी जो है उन्हें वहाँ पे पुलिस वाले मिल जाते हैं। और यहाँ पे पुलिस ने मेकर्स के पास वो चंदन की लकड़ियाँ देख ली थी, ऑब्वियसली भाई वो चंदन की लकड़ियाँ असली नहीं थी, वो आर्टिफिशियल यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे पुलिस को ये बात पता नहीं थी। और भाई पुलिस जो है उन लोगों को रोक लेती है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा तामझाम करके यहाँ पे पुलिस को समझाना पड़ता है कि भाई ये असली नहीं है, ये फिल्म की शूटिंग हो रही है, ये सब एक कृत्रिम चीज़ें हैं। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे भाई क्रिएटर की कलाकारी, चीज़ को भाई इतना ज़्यादा असली बना दो कि कोई समझ ही ना पाए कि असली है या फिर नकली है। साथ इस वीडियो का एंड किया जाता है। बाय द वे आप लोगों को ये चीजें जान करके कैसा लगा, और आप लोगों में से ऐसे कितने लोग थे जो ये सब पहले से ही जानते थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।